न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जावेद। हम रखिए खबरों पे नजर, आप रखिए खबरनामे पे नजर। शुक्रिया आपका भाई। शांति से, थोड़ा थोड़ा अमन से, थोड़ा सबर करके, थोड़ा सबर करके सुनाई सुनाई देना रेवंत रेड्डी को, जय तेलंगाना। आप सबका शुक्रिया। हमारे खास हमारे जितने यहाँ बहन है आप सबका, और हमारे भाई, और मंच में शामिल जनाब महमूद अली साहब, मैडम सविता इंदिरा रेड्डी साहिबा, और हमारे जगदीश रेड्डी अन्ना, कार्तिक रेड्डी हमारे भाई, इनायत अली बाकरी साहब हमारे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रहते हुए रिटायरमेंट लेके आज सियासत में शामिल हुआ हमारे भाई आर एस प्रवीण कुमार साहब, जो टिमरेस और बाकी स्कूल चलाने में बहुत काफी काम उन्होंने किया, और मंच पे हमारे भाई जितने भी हमारे श्रीकांत अब्दुल मुकी चंदा, हमारे एमएलए साहब कौशिक रेड्डी साहब, उमा मैडम, सोफिया आसिफ सिद्दीकी, और बाकी जितने भी हमारे लीडर आए, जिन जिनका भी मैं नाम नहीं लिया, आप बट अगर कुछ भूल गए आप लोग यहाँ पे आए, आप सबका मैं फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे बस एक चीज कहना चाहता हूँ, मजहब चाहे कोई भी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी हो, हर किसी का मसाइल तो एक ही है। आज रेवंत रेड्डी की जो जालिम हुकूमत है, इससे अपने आप को कैसे बचाना है, अपने बच्चों के वास्ते जो आपने इतना कुछ मेहनत करके एक एक ईंट लगा के एक छोटा सा मकान जो आपने बनाया, इसको रेवंत रेड्डी से कैसे बचाना है, कांग्रेस से कैसे बचाना है, यही आप सबके मन में है।